सोशल मीडिया में आजकल लोग वायरल होने के लिए अतरंगी हरकतें करते हुए अक्सर पाए जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला उत्तराखंड से भी सामने आया था, जिस पर शहर की सड़कों पर टैडी मार्क्स पहनकर गलत तरीके से बाइक चलाने और छात्राओं के आसपास रील बनाकर प्रसारित करने वाले यूट्यूबर को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पूरा मामला हरिद्वार के रुड़की का है, जहां पिछले कई दिनों से रुड़की की सड़कों पर एक यूट्यूबर की ओर से तरह तरह की वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की जा रही थी। इतना ही नहीं, कुछ वीडियो आपत्तिजनक भी थी और मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन भी किया जा रहा था। इस बात की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने बाइक नंबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू कर दी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस अधीक्षक देहांत के निर्देश के बाद सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने इस यूट्यूबर की तलाश शुरू की, जिसके चलते पुलिस ने उसको सिविल लाइंस बाजार से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूरे मामले में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आर के सकलानी ने बताया कि युवक द्वारा स्कूल कॉलेज जाती छात्राओं और युवतियों के आसपास में खड़े होकर वीडियो और रील बनाकर प्रसारित किया जा रहा था। साथ ही स्कूल कॉलेज के आसपास कई वीडियो बनाई गई, इससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिसके चलते ही युवक की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अमन खान निवासी बिझोली कोतवाली बंगलोर बताया। बहरहाल अब पुलिस ने आरोपित का शांति भंग में चालान कर दिया है। वहीं पुलिस इस मामले में अन्य लोगों को भी चिन्हित करने में जुट गई है।